तो दोस्तों आप लोगों के मन में ये डाउट होता है कि Naukri.com के अगर पेड सर्विस आप लेने वाले हो, ये Naukri.com ने वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, पहले आपको बता दूं। तो अगर आप Naukri.com की पेड सर्विस लेने वाले हो तो आप ये सोचते हो बेसिक लूँ या प्रीमियम लूँ, प्रीमियम लूँ या बेसिक लूँ, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूँ कि देखो, अपना जो मेन टारगेट होता है वो CV को अपडेटेड रखना, मतलब CV को टॉप पे रखना। मैं यहाँ पे बताऊँगा दोनों में डिफरेंस कि अगर देखो आप Naukri.com की पेड सर्विस नहीं ले सकते, बेसिक प्रीमियम में दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिज्यूमो को डेली अपडेट करो। मतलब आप गए, लॉगिन किया, अपना रिज्यूमे देखा, डॉट हटाया, डॉट लगाया, अपडेट कर दिया, कुछ बेसिक प्रोफाइल में एडिटिंग कर दी, नॉर्मल सी, तो मींस आपका रिज्यूमे अपडेट हो गया, आपका रिज्यूमे टॉप पे ही है। अभी होता क्या कि नहीं यार, आप इन सब के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आप डायरेक्ट Naukri.com पे अपना रिज्यूमे डालना चाहते हो और इसके बाद में उसको छोड़ देना चाहते हो, उसके बाद आपके पास कॉल्स आती ना, तो उस केस में हम कंसीडर करते हैं कि भैया पेड सर्विस ले लो, बेसिक या एडवांस। तो बेसिक एंड एडवांस में आपको सारी डिटेल दी होती है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा और एडवांस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो वो आप गूगल करके पढ़ सकते हो। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि बेसिक प्रोफाइल ले लो या Naukri.com की बेसिक पेड ले लो आप उसमें, तो उसमें क्या होगा, आपको कॉल्स मिलेंगी, मैसेज मिलेंगे, एंड इसके बाद में आपका CV ऑटोमेटिकली अपडेट रहेगा, तो आपको डेली लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका CV हमेशा अपडेटेड रहेगा Naukri.com प्रोफाइल पे। अगर ये आप नहीं लेना चाहते हो, बट ये लगभग लगभग सिमिलर ही है भाई, थोड़ा सा सिर्फ वहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है कि आप अगर पेड नहीं ले रहे हो, फ्री में तो आपको डेली उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जाके देखना पड़ेगा, अपडेट कर रहना पड़ेगा वहाँ पे डेली के डेली बेसिस पे, क्योंकि Naukri.com के अल्गोरिथम ऑलमोस्ट ऐसी बनी ही है, अगर आप डेली अपडेट नहीं करते तो आपका CV नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, नीचे इन द सेंस मैं बताऊं कि जैसे आज मैंने Naukri.com पर रजिस्टर किया तो आज के लिए मेरा CV टॉप पे होगा, मतलब लिस्टेड होगा वहाँ पे ऊपर ही, कोई फिल्टर मारेगा तो मेरा CV भी उसमें आ जाएगा, कोई भी अच्छा रिक्रूटर फिल्टर मारेगा। अब मैंने क्या किया, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक CV Naukri.com को ओपन नहीं किया और मैं गया नहीं, मैंने CV अपना नहीं देखा, तो क्या हो गया कि 10 से 15 दिन में जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया तो उनका नाम ऊपर आ गया, मेरा नाम नीचे चला गया। अब मैं फिर जाके CV को अपडेट करूंगा तो उन 15 लोगों का नीचे चला जाएगा, मेरा ऊपर चला गया। होपफुली कि आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उस केस में हम बेसिक प्रोफाइल की तरफ मूव होते हैं, मतलब पेड प्रोफाइल की तरीके कि भाई मेरा CV अपडेट रहे, अगर कोई HR रिक्रूटर है अगर वो फिल्टर माने तो मेरा CV टॉप पे आ जाए। तो इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप बेसिक के फीचर्स देख सकते हो क्या है, आपको एडवांस के फीचर वहाँ पे देखते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बेसिक ले लो, उतना इनफ होता है और आपको इतना ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पैकेज ऑलरेडी 1-2 लाख का मिल रहा है तो आप एडवांस भी ले सकते हो, अगर आपकी ऑलरेडी सैलरी 10-12, 15-20 है तो फिर मैं बोलूँगा कि नहीं, आपको एडवांस लेने की वहाँ ज़रूरत नहीं, आप बेसिक में ही चले जाओ। और हाँ, IT सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, नेटवर्किंग के लिए अगर आप जॉब देख रहे हो, नीचे मैंने PDF का लिंक दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, मेरा स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे नीचे पड़ा जो आपको 100% शॉर्ट लिस्ट कराएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो, बट वहाँ पे चार्जेस होते हैं 199, किसी भी तरीके का हो, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड, जॉब्स या करियर रिलेटेड, मैं सारी चीज़ों के लिए कंसल्ट करता हूँ या मैं उसके लिए गाइड करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।